हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस चैप्टर सेकंड, जिसमें हमने पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होते हैं, डेटा क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है बेटा, जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ अ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं किसका, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का। इन ए सिंगल डे थाउजेंड ऑफ ट्रेन्स इन इंडिया फॉलो देयर शेड्यूल रूट एंड टाइमिंग। अब इंडिया के अंदर एक सिंगल डे में कितनी सारी ट्रेन्स होती हैं जो चलती हैं, वो अपने डेली शेड्यूल को फॉलो करते हैं और टाइमिंग पे चलती हैं। वेदर की वजह से लेट हो तो वो अलग बात है। फॉर रिजर्वेशन एंड इंक्वायरी पर्पस यू कैन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फेयर ट्रैवलिंग क्लास एक्सेट्रा ऑफ एनी ट्रेन व्हाट मैनेज सच ए यूज रियल टाइम डेटा। अब इसके अंदर क्या बताया, देखो हम घर बैठे बैठे आजकल ऑनलाइन हम अपना करवा सकते हैं रिजर्वेशन। ऑनलाइन के अंदर क्या होगा, हम सब कुछ पता कर सकते हैं कि हमारी कितनी सीट्स हैं उस ट्रेन में, कितनी फ्री हैं, कौन सी हमें कहाँ जगह मिल सकती है, एवरीथिंग। कितने उस ट्रेन के अंदर डिब्बे हैं, हमें ये सब घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पता चल जाता है। और कितनी ट्रेन चलती हैं, उनमें से हम किसी भी ट्रेन का पता करना चाहें हम पता कर सकते हैं। अब ये ह्यूज रियल टाइम डेटा कौन मैनेज कर रहा है, कौन होता है जो इन सबको मैनेज करता है, वो होता है बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो उन सारी की सारी ट्रेन्स के शेड्यूल्स को मैनेज करके रखता है। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द स्कूल लेवल। अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल लेवल का। इसका मैं आपको सिंपल बताती हूँ, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आता है, सीबीएसई रिजल्ट आर डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ मई जून में आता है। जैसे अभी ट्वेल्थ का रिजल्ट, टेंथ का रिजल्ट आया, ऑन द एग्जामिनेशन पोर्टल यू शुड सिंपली प्रोवाइड योर रोल नंबर एंड यू गेट योर नेम, फादर्स नेम, डिटेल, मार्क्स, परसेंटेज एंड रीजन। हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपना रोल नंबर डालते हैं। उस रोल नंबर से हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, हमारा नेम, फादर का नेम, डिटेल, मार्क्स, परसेंटेज, रीजन, हम ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। किससे, सिर्फ एक रोल नंबर से। हाउ इज़ दिस ऑल पॉसिबल विदाउट एनी मिस्टेक। ये ऐसे कैसे मिस्टेक, कभी ऐसे हुआ आज तक, कभी मिस्टेक नहीं होती कि हम किसी का भी रोल नंबर डाल देते हैं और मार्क्स किसी के आते हैं, ना है। ये सारा किस वजह से पॉसिबल हुआ है, कि कौन इन सबको मैनेज करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इन सबको, इन सब के डेटा को मैनेज करके रखता है। यू आर नाउ वेरी मच क्लियर दैट देयर इज नो ह्यूमन इंटरवेंशन इन द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोसेस। अब इन सब में हम ये तो समझ गए कि ह्यूमन का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है उसको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के अंदर, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में। नो वन एक्सेप्ट द कंप्यूटर कैन वर्क सो फास्ट एंड एक्यूरेट फॉर मिलियंस ऑफ यूजर, बैंक अकाउंट होल्डर्स और स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है कि हम ये भी बात मानते हैं कि कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट वर्क और एक्यूरेट, फास्ट एंड एक्यूरेट कोई भी वर्क नहीं करता। कंप्यूटर का वर्क फास्ट भी होता है और एक्यूरेट भी होता है, चाहे वो किसी यूज़र के लिए है, बैंक अकाउंट होल्डर के लिए या स्टूडेंट्स के लिए है। देयर इज़ अ पावरफुल सॉफ्टवेयर विच वर्क एट लाइटनिंग स्पेस। इसके पीछे क्या है, एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो सारे के सारे डेटाबेस को मैनेज करके रखता है। डेफिनेशन क्या होती है डीबीएमएस की, अ डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। डीबीएमएस क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है दैट इनेबल्स वन और मोर यूज़र टू क्रिएट, मैनेज एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। अब डेटाबेस की वजह से क्या क्या पॉसिबल है, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, मैनेज भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं एक डेटाबेस से। जैसे अब डेटाबेस हमने, जैसे स्कूल में कोई न्यू एडमिशन आया तो हम उसमें क्रिएट भी कर सकते हैं। अब जैसे अटेंडेंस रजिस्टर में उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं कि उसका सॉर्टिंग में कहाँ नाम आएगा, रिट्रीव भी कर सकते हैं, वापस भी उसको देख सकते हैं कि कहाँ हमने लिखा था,
एक टैक्टाइल है ना इंटरफेस, डेटाबेस किस फॉर्म में काम करता है, इंटरफेस की फॉर्म में बिटवीन द यूज़र एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। वंस अगेन हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं DBMS क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटाबेस को मैनेज करता है। अ DBMS इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स वन और मोर यूज़र टू क्रिएट मैनेज एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, रिट्रीव करना, ये काम कौन करता है? DBMS। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडवांटेज ऑफ DBMS। अब DBMS की क्या क्या एडवांटेज है? टू रिड्यूस डेटा रिपीटेशन। अब ये क्या कम करता है कि डेटा हमारा रिपीट ना हो, उसकी उसको कम करता है। अ DBMS हेल्प इन कंट्रोलिंग डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को ये कंट्रोल में करता है। द डेटा इज स्टोर्ड एट वन लोकेशन। ऐसे क्यों पॉसिबल है बेटा? क्योंकि सारा का सारा DBMS के अंदर सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे सेव होता है। इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम। दस रिड्यूस बोथ कॉस्ट एंड स्पेस। अब इसमें कॉस्ट की भी कमी होती है और स्पेस भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि हमने सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर किया? एक ही लोकेशन के अंदर। एक ही लोकेशन में डेटा स्टोर होने की वजह से डेटा डुप्लीकेट भी नहीं होता। इससे हमारी कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है और स्पेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कम्प्लीटनेस। अब डेटा जो हमने सेव किया है उसे बहुत सारे पर्सन्स यूज़ करेंगे। जैसे मैंने डेटा बनाया, मुझे उसमें कमी लगी, मैं कुछ उसमें चेंजेस कर दूंगी। कोई और पर्सन उसे देख रहा है तो कोई और पर्सन उसे चेंज कर देगा। तो इससे क्या होगा? इसकी जो इंटीग्रिटी है वो क्या होगी? इम्प्रूव होएगी। सिंस द डेटा इज सेंट्रलाइज। अब डेटा क्या है? सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक लोकेशन में है। एंड देन इट वुड बी यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ यूज़र एट ए टाइम। तो ये डेटा बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तो इसकी इंटीग्रिटी को भी इम्प्रूव करेगा। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। डेटाबेस कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। अब वो सेंट्रलाइज लोकेशन के अंदर है, तो अब उसमें ऐसे नहीं है कि हर कोई पर्सन कोई भी जाएगा और उसको गलत भी कर दे। नहीं, उसके अंदर क्या प्रोवाइड होती है? चेक्स वगैरह लगे होते हैं कि उसे कौन यूज़ कर सकता है, कौन नहीं। कुछ परमिशंस ग्रांट होती हैं कि उसे, कि कुछ पर्सन उसे सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, कुछ राइट कर सकते हैं, कुछ रीड राइट दोनों कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर क्या प्रोवाइड होती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है कि कौन पर्सन उसे एक्सेस करेगा और कौन नहीं एक्सेस करेगा। बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। दीज आर द प्रोसीजर्स विच आर यूज्ड इन प्रोटेक्टिंग डेटाबेस अगेंस्ट डेटा लॉस और इन केस ऑफ डिस्क क्रैश अकर्स। कई बार बाई चांस हम काम कर रहे थे, हमारी डिस्क क्या होती है? क्रैश हो जाती है। तो उस बेस के उस काम टाइम क्या होता है कि इसके अंदर बैकअप रखे जाते हैं, जिससे हमारा डेटा इन केस कभी लॉस हो जाता है तो हम उसके बैकअप से अपने डेटा को वापस रिकवर कर लेते हैं। डेटा सॉर्टिंग। अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ यूजलेस अंटिल इट इज़ मैनेज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अब बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करी जा रहे हैं, लेकिन अगर वही डेटा कोई ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर नहीं है, बस सिंपल आया और रखी जा रहा है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए वो यूज़लेस है जब तक हम उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर स्टोर नहीं कर लेते। अ DBMS सॉर्ट द डेटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर विच मेक इट ईजी टू हैंडल, जिससे वो उसको हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं। डेटा रिट्रीविंग। By using an efficient DBMS, you can instantly retrieve any data from the database. अब अगर अच्छे से डेटा को हमने स्टोर कर रखा है तो हम ईजिली उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं, ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं। Let us take an example of bank. अब बैंक का एक example लेते हैं। जैसे बैंक के अंदर क्या होता है? Whenever you use your debit card, जैसे बैंक के अंदर हम अपना डेबिट कार्ड डालते हैं ATM के अंदर। अब उस ATM को डालते ही हमें हमारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाती है कि कितना अमाउंट है, कितना हमने अभी जस्ट निकलवाया, पीछे लेफ्ट कितना रह गया। तो वो विद इन अ सेकेंड हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं।
Hence, a DBMS not only help in storing large amount of data, but also in quick retrieval of the same. अब ये नहीं है कि DBMS अब अकाउंट क्या सिर्फ हमारे अकेले के हैं, इन बहुत सारे इन फॉरेन कंट्रीज के अंदर इंडिया में बहुत सारा सबका अकाउंट होता है, तो वो सिर्फ DBMS उनको स्टोर नहीं कर रहा बल्कि उन्हें मैनेज भी कर रहा है और उनका क्विक रिट्रीवल भी दे रहा है। ये सब किस वजह से पॉसिबल है? DBMS, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डेटाबेस। टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस होता है, फ्लैट फाइल डेटाबेस, इट इज रिलेटिवली अ सिंपल डेटाबेस सिस्टम विच स्टोर ऑल द डेटा इन अ सिंगल टेबल। ये क्या है बेटा? एक सिंगल डेटाबेस है जिसके अंदर हम सारे के सारा जो डेटा है वो सिर्फ एक सिंगल टेबल के अंदर स्टोर करता है। अ फ्लैट फाइल रेफर टू द डेटा फाइल्स दैट कंटेन रिकॉर्ड विच हैव ए स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ फील्ड विदाउट एनी स्ट्रक्चर। अ फ्लैट फाइल रेफर टू द डेटा फाइल, अ फ्लैट फाइल किसको रेफर करती है? डेटा फाइल को, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड्स वगैरह स्टोर करते हैं और फील्ड्स होते हैं विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल MS Excel की शीट पता है जिसके अंदर रिकॉर्ड और फील्ड होते हैं, हम सिंपली डेटा स्टोर करते हैं, इसके अंदर कोई इसकी स्ट्रक्चर नहीं होती कि ये स्पेसिफिक इसकी स्ट्रक्चर है, वो होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस। अब नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल्स। अब रिलेशनल का नाम से ही पता चल रहा है कि एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशन होगा, इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, जिसके अंदर एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशन होगा। इसके अंदर हम सेवरल टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। दीज टेबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सच ए वे दैट व्हेनेवर वेयर इज नीडेड द डाटा कैन बी जॉइंड एंड इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम देम एट वंस। इसमें क्या होगा, टेबल्स होती है वो रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, जब भी हमें जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी हम उनको डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल कैन बी डिफाइंड बाई देयर कॉमन फील्ड्स। अब इसके अंदर बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जब हम दो टेबल बनाते हैं एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशन होता है, बट कंडीशन क्या होती है, उनके अंदर एक कॉमन फील्ड होगी, कॉमन फील्ड। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस इज दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन इन टेबल अगेन एंड अगेन विच इन टर्न सेव टाइम। अब मेन एडवांटेज क्या है रिलेशन डेटाबेस की, इसके अंदर भी डेटा रिप्लीकेट नहीं होता, मतलब रिपीटेशंस नहीं कर सकते हम, रिपीट नहीं होगा डेटा अगेन एंड अगेन, जिससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओरेकल बेस एंड MS Access। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ जिसके अंदर फील्ड और रिकॉर्ड के बारे में हमें पता चलेगा। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें ये पता चलेंगे फील्ड और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। देखो बेटा जैसे एक जो रो है वो सीधी ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे रोल नंबर वाली, तो इस पूरे के पूरे को क्या बोलेंगे, फील्ड, ठीक है। और ये नेम वाली, ये एक फील्ड होगी, फादर नेम फील्ड होगी, एड्रेस फील्ड होगी, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है, फील्ड्स हैं। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड होती है एक स्पेसिफिक रो, जैसे 101 का नेम क्या है, कबीर, उसके पापा का नेम क्या है, मिस्टर आर नंदा, उनका एड्रेस घर का, उनका टेलीफोन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी की पूरी क्या है, एक रिकॉर्ड यानी एक रो। रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। और ऊपर से नीचे जिसके अंदर एक ही टाइप का डेटा हो, जैसे फील्ड के अंदर अब नेम है तो नेम ही होंगे और कोई टाइप का डेटा नहीं होगा, फादर्स नेम है तो उसमें फादर्स नेम ही होंगे, तो ये क्या है, एक फील्ड है। और रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, एक रो को बोलते हैं। अब रिलेशनल डेटाबेस जैसे मान लो एक टेबल ही है, अब एक और टेबल होती है अपने पास जिसमें होता नेम, फादर नेम, नेम, क्लास और सेक्शन, एक और टेबल बनाई। अब ये एग्जांपल है रिलेशनल डेटाबेस का, इसमें हमारे पास दो टेबल होगी। अब मुझे मानस की क्लास पता करनी है, वो मुझे इस टेबल में तो मिल नहीं रही, तो उसके लिए मैं दूसरी टेबल देखूंगी, उसमें क्लास कॉलम है, तो उस टेबल से मुझे क्या होगा, मानस की क्लास फैच हो जाएगी कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। होगी रिलेशनल, एक टेबल का दूसरी टेबल से रिलेशन हो गया, और कॉमन उसके अंदर मैंने कॉमन फील्ड कौन सी ली है,
name. Now we will discuss our next topic, components of RDBMS, in our next class.